बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम उलमाने अब्बास स्कूल। इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव दीज एसएलओस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एसएलओस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड हैं इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम हमारे पास एक कंडीशन है, एक स्टेट है बॉडी की, जो जिसके बारे में असल में तो इक्विलिब्रियम हमने नहीं पढ़ा, बट उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती एक बात हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ी थी। देन हम जो है वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देन वी हैव द कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अ बॉडी मस्ट सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन टू एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। देन उसी कंडीशंस को हम कुछ एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम सो हाउ इट इज सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। सो इक्विलिब्रियम डिफाइन करने से पहले हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, कि अगर कोई बॉडी ऐसी कंडीशन में है जिसमें नेट फोर्स नहीं लग रही। नेट फोर्स ना लगने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही इन द एब्सेंस ऑफ अ नेट फोर्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने सीखा था कि अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी अपनी स्टेट मेंटेन करेगी। बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी। बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में ही रहेगी। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिस कंडीशन की बात कर रहा है, जिस स्टेट ऑफ द बॉडी की बात कर रहा है, दैट स्टेट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का भी मतलब वही है जो कि फर्स्ट लॉ बताता है, जिसमें ऐसी बॉडी जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही हो उस बॉडी को हम कहते हैं इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। इफ द नेट फोर्स इज जीरो तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स एक्सीलरेशन इज ऑल्सो जीरो। सो हमसे डिफाइन करने को कहें कि डिफाइन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो और द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई इक्विलिब्रियम की। इसी जो हमने डेफिनेशन में जो बात बताई है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, तो इस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो का मतलब या एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो के दो मतलब निकलते हैं। किस तरह से दो मतलब है, तो नेट फोर्स जीरो या एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है तब भी बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है, उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होती है। सो इन शॉर्ट अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन इज और सेकेंड स्टेट इज मूविंग। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मूव नहीं कर रही होगी, अगर बॉडी मूव कर रही है रेस्ट में नहीं होगी। बॉडी के सिर्फ ये दो स्टेट हो सकती हैं, या तो रुकी भी होगी या फिर मूव कर रही होगी। सो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो मूविंग बॉडी में भी तमाम मूविंग बॉडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, सिर्फ वो बॉडीज इस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती हैं दैट आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सो हमारे पास अगर किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल चेक दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग, अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मूव कर रही है।
अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आ बॉडी इन रेस्ट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रुकी हुई है तो हम कहेंगे इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर एक टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पर, टेबल इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक चेयर रखी हुई है यहाँ पर, चेयर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक कार खड़ी हुई है रोड पे, कार इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इन शॉर्ट आ बॉडी एट रेस्ट is always in the state of equilibrium. अगर हम moving body की बात करें तो moving body तो तना से हो सकती है। If a body is moving with constant velocity or the body is moving with acceleration. अगर body की constant velocity है तो उसकी force zero होती है और acceleration zero होती है। So ये दो bodies है, इन दो तरह की bodies है जो कि हम कहेंगे कि they are in equilibrium. Body rest में हो तो body equilibrium में है, body move कर रही है तो कैसे move करे, body move करे with a constant velocity तो हम कहेंगे कि body जो है वो equilibrium state के अंदर है। तो इन्हीं दो type की acceleration के अंदर जो हम specify कर देते हैं कि अगर body rest में है तब भी equilibrium है, move कर रही है तब भी equilibrium है, तो हम इन दोनों equilibrium को classify कर देते हैं। So the body at rest is known as in static equilibrium. अगर बॉडी रेस्ट में हो तो हम ऐसे बॉडी के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। साइमल्टेनियसली इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज आल्सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। So, यहाँ हमने टाइप्स को भी साथ साथ डेफिनेशन बताई हमने इक्विलिब्रियम की और ये बताया कि क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का। उस हिसाब से हमने ये दो चीजों को आइडेंटिफाई किया कि इन दो तरह से इक्विलिब्रियम हो सकता है। उन दो तरह को फिर फर्दर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। So, अब हम आ जाते हैं, वी हैव कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने पहले डिफाइन किया इक्विलिब्रियम को, देन हमने टाइप्स बताई, अब हम जो है वो कुछ कंडीशंस बताते हैं। अगर हम कहते हैं बॉडी को कि इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो, अगर हम किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें कुछ कंडीशंस गिवन है। अगर वो बॉडी उन कंडीशंस को फुलफिल करती है सो वी कैन सी दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर वो कंडीशंस स्पेसिफाई या अप्लाई नहीं होती है तो वी कैन नॉट से दैट द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो द फर्स्ट कंडीशन इज तो पहली कंडीशन बिल्कुल वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है सो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड विद दैट बॉडी, कि बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जब तक जीरो नहीं होगा वी कैन नॉट से दैट द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लॉक मौजूद है हमारे पास। इस ब्लॉक के ऊपर राइट नाउ वी हैव टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, वन इज इट्स वेट फोर्स एंड द अदर इज द रिएक्शन फोर्स। वेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शन फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। Then we can also add some forces here. Let's suppose we have one force in this direction, another force in this direction, and a third force in this direction. So, if this body lying on the ground or lying on the surface is in equilibrium, it means that some of horizontal forces and some of vertical forces must be zero. Horizontal forces एक दूसरे को cancel out कर दें, vertical forces एक दूसरे को cancel out कर दें, तो it means the body is in the state of equilibrium. So for example, अगर ये equilibrium में है, हम उसको value दे देते हैं, let's say this is 50 newtons, this is 10 newton, this is 40, this is 100 newton and this is
100 न्यूटन। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखें तो राइट डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस है, वी हैव टू फोर्सेस एंड द सम ऑफ फोर्सेस इन राइट डायरेक्शन इज 10 प्लस 40 50 न्यूटन। द फोर्सेस वी हैव इन लेफ्ट डायरेक्शन इज वन फोर्स दैट इज ऑफ 50 न्यूटन, मींस राइटवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द लेफ्टवर्ड फोर्सेस। राइट साइड पे लगने वाली फोर्सेस, लेफ्ट साइड पे लगने वाली फोर्सेस सारी आपस में बराबर है। अगर हम वर्टिकल फोर्सेस को देखें तो वी हैव टू वर्टिकल फोर्सेस, वन इज रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एंड द वेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के बराबर है। इट्स मीन दैट इट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट स्टेट्स that the sum of all the forces acting on it are zero. So next हम चलते हैं second condition of equilibrium पर। So we have second condition is so the second condition of equilibrium states that the sum of clockwise torque must be equal to the sum of anti-clockwise torque. अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, अगर किसी बॉडी का कोई एंड फिक्स्ड है, लाइक डोर का एंड फिक्स्ड होता है, जो और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमने टर्निंग इफेक्ट में टॉर्क की एग्जांपल में देखा था, वहाँ पॉइंट ऑफ रोटेशन जरूर मौजूद होता है। तो तमाम ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे एक पॉइंट फिक्स्ड है या बॉडी रोटेट करती है, तो रोटेशन कैसी होनी चाहिए, द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो सेकेंड कंडीशन की अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो लेट suppose we have a rod that is balanced or fixed at its center. Center से जो है वो rod fixed है, उसको हमने यहाँ पर balance कर दिया. Then अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दिए, सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइंग ऑन दिस रोड हैव देयर ओन वेट। फॉर एग्जाम्पल वेट इज W1, इट्स वेट इज W2 एंड इट्स वेट इज W3. So this force or this weight force is producing a torque. This body is rotating the rod in this direction, and this is the anti-clockwise direction. Anti-clockwise means the direction that is opposite to the direction of clock's needle. So this force W2 is rotating the rod in clockwise direction. Similarly, this block is rotating the rod in clockwise direction. So overall, we have three bodies that are lying on this rod, and these three forces are producing three torques. We have two torques in clockwise direction and one torque in anti-clockwise direction. If this rod is moving in this direction, it means the torque acting in this direction is greater than this torque. If the rod is rotating in this direction, it means this torque is greater than these two torques. And if this rod is balanced, it means this torque is equal to this torque. अगर ये body balanced है, तो इसका मतलब ये है कि clockwise torques और anti-clockwise torques का जो sum है, वो आपस में बराबर है, या फिर जो total torque है इस पूरे system का या इस body का, वो zero है। So that was our lecture जिसमें हमने equilibrium को define किया, equilibrium की types को define किया with its condition and with some examples. So that was it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from the chapter turning effect of force. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.